भाई साहब अभी चल रहे हैं पटियाली, और पटियाली में थोड़ी जीजू को प्रॉब्लम हो गई थी, इनको दवाई दिलवाने जाएंगे, जा रहे हैं, जाकर वहां दिखाएंगे कैसे दवाई मिलती है। दवाई क्या है ये, जैसे लकवा है, फालिज है, इसकी समस्या रहती है, तो यही प्रॉब्लम आ गई थी इनको। पहले इन्होंने 8-10 साल लगभग पहले की प्रॉब्लम होगी, तब यहीं से ट्रीटमेंट कराया था इन्होंने। आज भी बोले कि, मैंने कहा मैं दे दूंगा दवाई, बोले नहीं यार मुझे वहीं से दिलवा दो, तो यहाँ आया हूँ मैं। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या इलाज करते हैं, और किसी को समस्या होगी इससे थोड़ा छोटा सा मोटिवेशन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान से वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, पूरा दिखाऊंगा किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कितना क्या चार्ज रहता है, क्या क्या रहता है, सब भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यही है पटियाली, ये है इनका दुबे एसोसिएशन या पता नहीं किसका कार्यालय है, और वो उनकी दुकान है, जाती है। भैया ये आए हैं हम पटियाली में, एक वैद्य जी हैं। वैद्य जी नाम क्या है आपका? बन्ने मियाँ। वैद्य जी का नाम है बन्ने मियाँ, और ये ड्राइवर साहब हैं अपने जीजू। इनके एक धड़ में लकवे की शिकायत है। अभी वैद्य जी अपने हकीम जी इधर कुछ जड़ी बूटी उबाल रहे हैं, ऊपर से इन्होंने तेल ये लगा दिया है। हमने दिखाया इसलिए क्योंकि ये है पटियाली, और पटियाली में हमारे किसी भी धड़ में कहीं भी लकवा फालिज जैसी कोई भी समस्या हो जाती है तो यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा रहता है। वर्ल्ड फेमस है ये, ऐसे समझ लो हमारे भारत में पटियाली, जिस तरह से आगरा फेमस है हॉस्पिटलों के लिए, यहाँ पर अपना ये फेमस है पटियाली। इनका इलाज देखते हैं किस तरह से होता है, बने रहो आप। किसी को समस्या हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, कोई भी आ सकता है इधर, ठीक है। मालिश हो रही है, ये भट्टी है, अब इनको दी जाएगी भाप। ठंडा पानी वगैरह कुछ पिए? ठंडा पानी, दारू, बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी वाड़ी भी पेड़ी से बहुत नुकसान होता है। पूरे धंधे धुआं खा जाओ, डायरेक्ट दिल पे अटैक करेगा। गरम बता सही अपना, डायरेक्ट नहीं गरम कम है, अब हल्का लगे, तेज ना लगे, ज़्यादा तेज ना लगे। अब इनको भाप लगाई जा रही है, हकीम जी आप अपना पूरा एड्रेस बता दो ताकि कोई अगर देखे वीडियो हमारी आना चाहे तो आ जाए। पटियाली तहसील प्रसिद्ध आ जाएगी, बाजार मेन बाजार, ठीक है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास आपका मोबाइल नंबर है तो वो भी आप बता दो, बहुत आसान पता है।
ये है कार्ड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पे नंबर भी पूरा पड़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, डॉक्टर शिव शंकर लाल शर्मा, नीम बाले, स्वेदन सेंटर, प्रोपराइटर बन्ने मियाँ। ये है यहाँ का एड्रेस, पटियाली कासगंज, ये कासगंज में पड़ता है हमारा, यहाँ कभी भी आप आ सकते हो। ठीक है, खाने में भी सब चीज खा रहे, चावल खाओ सब चीज खा रहे, चावल चावल है, भुजिया कटहल, चावल में भुजिया कटहल और क्या कहते हैं, केवल खाने वाली याद रखो, आलू अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग मसूर की मिला ले, पनीर खा ले, चिकन चिकन कभी तो खा सकते हो, ज्यादा ज्यादा हैवी साइड गलत है, हाँ ये साइड होती पड़ी। अब मान लो तुम कम चाहती है। अब मान लो तुम भाई साहब चाय लेकर आ गए। टेंशन मतलब मैंने कौन कर दिया, खाओ ना, लेकिन नुकसान तो तुम्हें देगी। कितनी देर लगेगी इनको बाप? बस दो चार मिनट, चार मिनट। हम आपसे संपर्क करेंगे। अगर आप टाइम निकाल पाएं, हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है। नहीं, जाने तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, जाने वाला तो बहुत बड़ा सिस्टम छोड़ के आया हूँ। अच्छा, देहरादून से आगे 30 किलोमीटर। अच्छा, मंजूरी के पीछे। फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई किसी लड़के को अपने भेज दो? वो अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर होगा काम तो सब पूरा है, कोई दूसरे घर में काम होता हो तो आगे मैंने काम हो जाएगा। सही बात है, जाने का सिस्टम बहुत गलत है अभी तो। दुकान छोड़ के नहीं जा सकते? हाँ, दुकान छोड़ के भी अपनी नहीं जा सकते, मरीज को पता नहीं किस टाइम आ जाए। सही बात है, हाँ इतनी मदद हो जाएगी। जैसे कोई कॉल मरीज आ गया है तुम्हारे पास और बात कर रहा है कुछ, उस पर हम तो जुड़े आते, तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो बीपी वगैरह देख लेना, साइड कौन सी हार्ट साइड है तो नीरो के इलाज साथ में जरूर है। ठीक है, उसमें कोई गलती करनी करना है, मरीज हमें जल्दी सही चाहिए, सामने वाले को मरीज जल्दी चाहिए उसका आता साथ। हाँ, तो वो नीरो से अंदर से धक्का लगाया, ऊपर से अपना लगा दो। ठीक है, तेल वगैरह देगा जो कोई, मतलब आप करेंगे मदद अगर आपसे मदद मांगेंगे तो। बढ़िया आदमी हम, देखो हमारा नुकसान क्या है यार, हमारे तो पटियाली जो ना है अजीत वो लेके आया था पहले। अच्छा जी, बढ़िया आदमी, और बाकी तो सब बेकार हैं। अरे यहाँ मैंने बता दो, मैं यहाँ तो कोई ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान का जिस तरफ से जिस जगह का आदमी मेरे पास आया नहीं। अच्छा भाई, बीच में 2 साल पहले हॉस्पिटल साहब इलाज करा तो। अरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं यहाँ के बारे में। ये देखो पसीना, ये हो गया पसीना, भाप लग गई है।
मर जानी बड़ी यार, दिमाग खराब अगर कोई पेशेंट आता है बिल्कुल हो चुका है वैसा। यहाँ कैसे हुआ है सब कन हो गया। अच्छा पीठ की भी सिकाई हो गई, गर्दन की भी हो गई, कमर की भी हो गई, पसीना देख रहे हो भाई साहब। ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ऊपर तो आराम जल्दी सीना लगा दीवार से थोड़ी ऊपर ऊपर सीना लगा। हाथ लेटा एक जगह, हाथ दिख रखो, हाथ वहीं रखो एक जगह, एड़ी ना उठे, बहुत आराम से जल्दी मत करो, जल्दी कोई काम नहीं। करवाए दे जिम पैर चिपकाओ। बस दो तीन जुड़े रोज बढ़ाना। कैसा महसूस हो रहा होगा? सही हो, हल्का हो गया तो सही हो। अब तो ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं सही। अरे दो दे दो, बेकार में फिर भागते फिर क्या पार? ये ऑयल है मालिश के लिए। ठंडा बहुत हो जाता है, ठंडा तो हो जाएगा वो जब हाट वाले ना चल जाओ आपने जितना खराब नहीं होगा। दारू तीन की छुड़वा देंगे।
खाने के लिए कुछ दवाई ज्यादा ठंडा हो जाएगा जी, कुछ समझदार है क्या होएगा जी, तो उसका चाल जो है वो खत्म हो जाएगी बालों की, चाल जो होती है बाल की वो डाउन हो जाएगी, बाल ब्लॉक हो गए तो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो फिर बहुत लंबा करता है, कामयाब नाकामयाब बाल की बात है, तो अभी कुछ नहीं है, अभी सब फर्स्ट क्लास है, अभी सब सही है, केवल दारू छोड़नी है बस, दारू पे गौर करिए बस, मूंग की दाल ज्यादा इस्तेमाल करना है, सब्जी परमल लौकी तुरई भी हरी सब्जियां, उसमें मेथी दाना डाल लौकी हर सब्जी किसी भी सब्जी में मेथी दाना पाउडर कर लो, एकदम दबा, सुबह को मछली वगैरह तो खा सकते हैं, मीठी बिरयानी बहुत खाएं, कहीं जाएं बिरयानी बंद करो, बिरयानी खा तो 5 घंटे तक पानी मत पियो, घड़ी में टाइम देख के 5 घंटे तक चावल नुकसान नहीं हो जाएगा, अहमद अहमद बिरयानी खाने अच्छा, तो भाई अच्छा इसके अलावा कोई खाने की दवाई तो होती नहीं, केवल तेल ले, खाने वाली दवाई दे दो ना पहले, वो ले लो रात में भिगो के पीना, मैं तो ऐसी जो दवाई देती खाने की तब पहले काफी दवाई देती, अभी इतना मर्ज कहाँ है, खाली वो जीरो पॉइंट प्लस देते हैं, बताओ तो ज्यादा दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत ना तेल भी आ जाए, तेल से सुबह शाम मालिश करवानी पड़ेगी हल्के हाथ से देर तक, मसला ये भी तो है उल्टी साइड है, अगर हम ज्यादा दवाई सब चीज देख के तो देना पड़ेगा, केवल एक ही वो सो भी सिंगल काम करा है शाम शाम तेल जीरो पॉइंट प्लस, अच्छा दिलवा देंगे, बहुत अच्छा कैप्सूल होता है, बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा दिमाग में लगाओ मत, अभी कुछ नहीं, मैंने क्या किया कुछ है ही नहीं, चलो ठीक है फिर करके आ जाए, हो गई दवाई इनका, ये हमें भट्टी सही लगी और भाप लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा, भाई साहब ने दवाई दे दी है, अच्छी दवाई दी, अब देखो अच्छा तो इलाज करते हैं, इन्होंने पहले भी करवाया था इसलिए इनको यहाँ लेकर आया मैं, ये एक स्कूल है यहाँ पे, अगर कोई आना चाहे तो ये स्कूल है, ये बैंक है, ये सावित्री हॉस्पिटल करके कुछ है, तो ये हैं यहाँ के कुछ निशान, तो आप आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अब चल रहे हैं वापस, और सावित्री हॉस्पिटल, कुछ ऑयल दिए हैं इन्होंने इसमें और सिकाई की, उसके बाद गुमराह करो, ट्रीटमेंट हो गया है, अब चल रहे हैं घर, जैसे ये आँख पे भारी कौन कुछ ना करना, जो आँख पे शरीर के तबाद निकाल के मरवा देगा बच्चों की नीचे, यही तो नस और क्या है, क्या है यही ब्लॉक होती है, यही यहीं से होता है कनेक्शन, यही होती है कनेक्शन, ये फाल्ट हुआ ये फाल्ट हो जाएगा चलो फिर बहुत चालू करा देंगे, हां रात के सोते टाइम एक ले लिया, ठीक है ठीक है, नमस्कार, इधर से गाड़ी निकल जाएगी ना, यही है पटियाली, ये है इनका दुबे एसोसिएशन या पता नहीं किसका कार्यालय है, और वो उनकी दुकान है, भाई साहब ने दवाई दे दी है, अच्छी दवाई दी, अब देखो अच्छा तो इलाज करते हैं, इन्होंने पहले भी करवाया था इसलिए इनको यहाँ लेकर आया मैं, ये एक स्कूल है यहाँ पे, अगर कोई आना चाहे तो ये स्कूल है, ये बैंक है, ये सावित्री हॉस्पिटल करके कुछ है,
तो ये हैं आपके कुछ निशान, तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे हैं वापस, और सावित्री हॉस्पिटल। कुछ ऑयल दिए हैं इन्होंने इसमें और सिकाई की उसके बाद। अब चल रहे हैं घर, ये है पटियाली जहां हम चल रहे हैं। यहां पे बता रहे हैं लूटने वाले बहुत हैं, कुछ ही लोग हैं ऐसे जो अच्छे मतलब सही से मिल जाएंगे। अब हम फिर मिलेंगे, चलो अब घर चलते हैं। और बहुत बड़ा वीडियो हो गया मुझे ये पता है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना दिया, वैसे मैं बनाता नहीं, ठीक है। और ये जो क्रिया है जो ये कर रहे हैं वो मुझे पता है, बस ये नहीं पता ये ऑयल कैसे बनाते हैं। एक बार इस ऑयल को मैं सूंघूं, मैं पता देखूंगा लगा के, बता दूंगा क्या क्या इसमें है, ठीक है। क्योंकि अपन को भी भाई हो गए हैं 15-16 साल, ऐसी बात नहीं है इन्हीं चीजों में। क्यों, हमने वहां में दही जड़ी बूटी बताया था ये एकदम कहा है। काली वाली है, कह रहे काली वाली, अभी काली वाली नहीं है, हमें पता है ना क्या कौन सी चीज है। मैं इससे बंदी कर दे यार, मैं भाई साहब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी तो नहीं, इतना बड़ा तो वैद्य नहीं हूँ, खैर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जो नॉर्मली जो किसी, रुको कौन है, तो जितनी भी नॉर्मली जो हैं उनको मैं सूंघ कर देख कर चाख कर खा कर बता दूंगा, इतना है बस, यही है अपना बस। यार टिक्की बनवा ले।